hello students good morning last day we have uh, studied the use of gerund now the last type of non finite verb that is participle we will study today and uh, hope all of you will be fine let's uh, start the topic participle form of verb as we have already discussed that participle form of verb is not affected by the subject they are known as non finite and under the category of non finite the participle is the last type okay means third type of non finite verb it is so let's start the topic participle is just like uh, in physical form it is like gerund and gerund was verb with ing form okay they are known as participle but there are some difference between participle and gerund gerund is used as noun okay and participle they are used as adjective or adverb and participle is also of three types this is the first type and the second one is Past participle. This was present participle. And this is past participle. Past participle is a uh, third form of verb. Verb third form. And next is third one that is perfect participle okay perfect participle they are uh, with the word having there will be third form of verb okay these are three types of participle now we will study the use of these participles how to use and where to use now you have uh, guess you have to guess the verb which is in ing form and it will work as adjective not as noun not as verb okay uh, first uh, have some examples on these topics first example it is an interesting interesting story in this sentence the word interesting verb plus ing it is and इट इज़ नॉट अ वर्ब ये एक वर्ब नहीं है सेंटेंस में ना ही नाउन है एक स्टोरी की क्वालिटी बताई गई है दैट इज इंटरेस्टिंग दैट्स वाई इट इज एड्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा ये वर्ब होते हुए भी वर्ब नहीं है ये क्योंकि इस, इसका फंक्शन जो है वो एडजैक्टिव का हो रहा है इसलिए ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसपे सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है ये एडजेक्टिव के तरह काम करते हैं मतलब किसी नाउन या प्रेनाउन को क्वालिफाई करते हैं ओके नाउ सेकंड वन पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है इस सेंटेंस में आपको ये एग्जांपल है पहले थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो वर्ब का काम नहीं करेगा नहीं ना ही नाउन का काम करेगा वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा ओके ए एंट चाइल्ड ड्रिड्स द फायर यहां पे दिस वर्ब बोन दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये भी एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है मतलब चाइल्ड कैसा तो बॉर्न चाइल्ड मतलब चाइल्ड की क्वालिटी हो गई दैट्स वाई इट इज एडजैक्टिव नो ओके ए बोर्न चाइल्ड ड्रिड्स द फायर तो इसमें यह वर्ड क्या है पास्ट पार्टिसिपल है जो कि पार्टिसिपल का सेकेंड टाइप है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई सॉरी आई वेंट टू प्ले यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ये एक एडवर्ब का, का काम कर रहा है इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल है जो कि पार्टिसिपल का टाइप है और वो नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है ओके okay? अब इसके यूजेज देख लेते हैं इतने एग्जाम्पल में आप लोगों ने समझा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के तरह यूज़ किया जाता है सेंटेंस में तो पहला है फर्स्ट यूज़ यूज ऑफ पार्टिसिपल फर्स्ट यूज़ है एज एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव के तरह इसका यूज होता है जैसे इट वॉज़ इट वॉज टी आई आर आई एन जी टायरिंग जर्नी थकाने वाला सफर टायरिंग मतलब टायर्ड मतलब थका हुआ टायरिंग उसका फोर्थ फॉर्म है टायर्ड का और जर्नी तो इसमें ये वर्ड जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के तरह ओके okay. दूसरा है एग्जांपल हैव के साथ हैव के साथ जो ऑब्जेक्ट होते हैं और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कैसा होगा वो देख लीजिए मतलब दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे हैव प्लस ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में पार्टिसिपल का यूज ओके वी हैड देम ऑल वी हैड देम ऑल डांसिंग ओके इसमें थर्ड फॉर्म आ रहा है वी हैड देम ऑल या ये बता रहा है कि हम लोगों ने उसे परसुएड किया था डांस करने को दैट्स वाई यहाँ पर ये वर्ब जो है वो पार्टिसिपल है और दूसरा यूज़ हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वर्ब होते हैं जो अगर सेंटेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस में सिर्फ पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है फॉर एग्जांपल वो वर्ड्स हैं कैच या फिर फाइंड या फिर लीव इन सारे वर्ब्स के साथ हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई कॉट हेम आई कॉट हैम स्टीलिंग द पर्स एस टी ई एल आई एन जी स्टीलिंग पर्स ओके यहाँ पे स्टीलिंग पर्स मैंने उसको चोरी करते हुए मतलब पर्स को चोरी करते हुए पकड़ा ओके so this was example of participle another example another uh, example of find i found him i found him standing माई गेट ओके स्टैंडिंग ये वर्ड हो गया पार्टिसिपल तो ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो अगर सेंटेंस में आते हैं तो इसके साथ जो पार्टिसिपल होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज किया जाएगा दूसरा है लीव का आई लेफ्ट वॉकिंग इन द ऑफिस तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ब आ गया लीव वाला और यहाँ पे वर्किंग वर्ब आ रहा है वर्किंग वर्ड आ रहा है जो एक पार्टिसिपल है ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू हैव अ नाइस डे स्टे एट होम स्टे ब्लेस्ड गॉड ब्लेस यू थैंक यू